युवती का अपहरण कर दो युवक ने किया दुष्कर्म। नमस्कार, मैं हूं अर्चित, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में माइक्रो फाइनेंस का काम करने वाली नगर थाना क्षेत्र की एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। गुरुवार को युवती ने SP आशीष श्रीवास्तव के सामने प्रस्तुत होकर अपनी आपबीती को बताया है, जिसके बाद कलवारी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को दिए गए तहरीर में युवती ने आरोप लगाया है कि वह दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करती है। रविवार को शाम को वह दोस्तपुर जाने के लिए अपनी स्कूटी से निकली थी। अभी वह कलवारी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव के मजार के पास ही पहुंची थी कि पीछे से उसके गांव के रमाकांत व मदन आ गए और उसे रोक लिया, उसके हाथ से मोबाइल छीना तथा पास रखा 5,000 रुपए भी छीन लिए हैं। दोनों लोग अपनी बाइक वहीं खड़ी कर दिए, उसके बाद स्कूटी पर जबरदस्ती बैठाकर टांडा के थर्मल पावर के लिए बिछाए गए रेलवे लाइन के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। सोमवार सुबह लगभग 4 बजे उसे होश आया तो वह किसी तरह अपने ऑफिस पहुंची और वहां अपने साथ काम करने वालों से अपनी आपबीती घटना को बताया तो उन लोगों ने युवती के घर पर सूचना दी। फोन पर सूचना मिलने के बाद उसके पिता उसे लेने उसके ऑफिस पहुंचे और साथ लेकर वापस घर आ गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।